यही मैं कहना चाहती हूँ, कर्नल मल्होत्रा पार्टी में मेरी क्लाइंट से मिले, उससे अट्रैक्ट हुए और वो उनके बारे में धीरे धीरे सोचने लगे और धीरे धीरे ये सोच ऑब्सेशन में बदल गई। शादीशुदा होने के बावजूद आपने ये जिद पकड़ ली कि एक खूबसूरत औरत मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, ये झूठ है, प्लीज इट्स अ लाई। नहीं, ये सच है और इसी जिद और ऑब्सेशन को लेकर आपके और आपके पत्नी के बीच में अलगाव हुआ, आप लोगों के बीच में झगड़े भी होने लगे। गैरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कौन करवा रहा है। देखो स्वाति, मैंने इस बारे में काफी सीरियसली सोचा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तुम्हें डराने और वार्निंग देने का सबसे बड़ा जो कारण, उसमें से पहली बात यह है कि उनको लगता है कि तुम आर्मी की फेवर में लिख रही हो, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। और जो दूसरा कारण है वो पर्सनल, जैसा कि लेटर में लिखा हमारी दोस्ती। गैरी, तुम्हारे दोनों रीजंस वैलिड है, लेकिन इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? आई मीन, कौन है इन सबके पीछे? स्वाति रिलैक्स, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। लेट अस सी व्हाट ही हैज टू से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज बैठिए बैठिए। स्वाति। हेलो। हेलो स्वाति। तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी लेफ्टिनेंट साहब, हमने मैडम के ड्राइवर को उसके गांव से गिरफ्तार किया। यू मीन प्रसाद? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो नहीं कर रहा है, उसे करवाया जा रहा है। What? Oh, I see. तो उसने कुछ बताया? बस इतना है कि उसी ने मैडम के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। Oh, I see. डुप्लीकेट चाबी? उसने? नो, इंस्पेक्टर साहब, नो, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। मैं स्वाति के ड्राइवर को पर्सनली जानता हूँ, वो सपने में भी नहीं ऐसा कर सकता, जरूर इसके पीछे कोई है। हमने इंटरोगेशन किया तो उसने खुद बताया कि 5,000 रुपए मिले उसे डुप्लीकेट चाबी बनवाने के। 5,000? तो उसने कुछ और भी बताया होगा। सॉरी लेफ्टिनेंट, ड्राइवर प्रसाद ने थर्ड डिग्री इंटरोगेशन के बावजूद भी उसने उन लोगों के नाम नहीं बताए। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब पता है कि कौन है ये लोग। ये वही लोग हैं जिनको इस बात से चिढ़ है कि स्वाति आर्मी की फेवर में क्यों लिख रही है। उनको लगता है कि ऐसा करने से हम उनको डरा देंगे और स्वाति आराम से डर जाएगी। स्वाति, क्या तुम सच में डरी हो? गैरी, इनिशियली यस, आई वाज स्केयर्ड, बट अब तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं उन लोगों से लड़ूंगी। आई एम सरप्राइज्ड, मेरे कुछ लिखने से वो लोग इतना डर गए कि मुझे मारने तक का मौका ढूंढने लगे। मैडम, आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। थैंक्स फॉर योर कंसर्न इंस्पेक्टर, लेकिन मैं अपना रवैया नहीं बदलूंगी। मैं वैसे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी जैसा आज तक रखती आई। वैसे आपके लिए पुलिस कमांडो 24/7 तैनात ही है और आपके दुश्मन अब कोई खेल नहीं खेल पाए, उनकी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चली। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट साहब, अब मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। प्रसाद, गैरी चल। क्या हुआ? अरे यार, सुबह सर आए, कह रही स्वाति आई हुई है, तो स्वाति और गैरी को दोनों को लंच पे लेके जाऊंगा। कह रहे वो दोनों मुझे कंजूस समझते ना, मैं कंजूस नहीं। यार वो तो ठीक है, बंदा खान पीन नहीं पक्का होता, लेकिन यार सुबू सर के साथ लंच करना, तुम जानते हो ना, यार प्रॉब्लम ये है कि वो लंच कहते हैं कि मेरी मर्जी से करो, जो मैं खाता हूँ वही खाओ, वो इडली बड़ा सांभर डोसा क्या का, यार मैं नहीं खा सकता, हद होती है। स्वाति तुम जा सकती हो, जाओ। आप नहीं, अरे आज तो मेरा फास्ट है, और वैसे भी यार फास्ट से ज्यादा ये है कि जितना वो खिलाएंगे नहीं उतना ज्यादा मेरा दिमाग खा लेंगे। प्लीज बख्श दो मुझे, प्लीज, आई डोंट वांट टू गो। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ पे है ही नहीं, बोल दो जाके, चलो 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 जल्दी भाग। ओह गॉड, सुबह सर। तो
सरफराज को आप जानते हैं ये तो माना। अब ये बताइए कि सरफराज की पहचान कर्नल ने करवाई थी तो आप तीनों की मुलाकात कहां पे हुई थी, यानी कैसे इंट्रोड्यूस किया था कर्नल ने आपको? जी जी वो उन्होंने पार्टी में इंट्रोडक्शन करवाया। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों मतलब कर्नल और आप घूमते घूमते पड़ोसी देश चले गए? जी जी नहीं वो हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि सरफराज यहाँ पे आया था? जी हाँ। मेनका जी आप सरासर झूठ बोल रही हैं। सरफराज नाम का कोई भी व्यक्ति कर्नल से कभी नहीं मिला, ना ही कर्नल को कोई सरफराज पहचानता है। आर्मी में सभी प्राइवेट मीटिंग और मुलाकात पे नजर रखी जाती है। मेनका जी आप क्यों झूठ बोल रही है, किसे छुपा रही है आप? सरफराज का असली नाम सरफराज ही है ना? नहीं, आप उसे जानती है इसीलिए? जी हाँ, नहीं कुछ नहीं, वो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मिलवाया। अच्छा अच्छा, वीडियो पे? हाँ, कौन से कैफे से? जी जी वो कैफे में, वो फोन पर। जहां तक मैं जानता हूं ना आपके पास 3G का मोबाइल है ना कर्नल के पास। उनके पास जो मोबाइल है ना वो मिनिमम यूज के लिए, यहां तक के उस मोबाइल में कैमरा भी नहीं। जी मेनका जी को ये पता ही नहीं है कि कर्नल ने सरफराज से उनकी मुलाकात करवाई थी या नहीं। और मेरे काबिल डिफेंस लॉयर कह रहे हैं कि मेनका को फंसाया गया है, कर्नल और सरफराज ने मिलकर एक अबला नारी को वरगलाया है। ये पॉइंट नोट किया जाए। सर इस केस में कर्नल मल्होत्रा को जबरन घसीटा जा रहा है ताकि मेनका मेरा को बचाया जा सके। सर इसमें एक क्लिप है उसी पार्टी की जहां पे कर्नल मल्होत्रा मेनका मेहरा से इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें साफ दिखाई दे रहा है जब कर्नल मल्होत्रा पार्टी में आए थे तब मेनका मेहरा सरफराज के साथ बैठी हुई थी। बाय द वे, सरफराज का असली नाम सरफराज नहीं है, हमने पासपोर्ट ऑफिस में उसको एक फोटो देख के टैली किया है। सरफराज तो उन फर्जी नामों में से एक नाम है जिसका उपयोग सरफराज अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने के लिए करता था। सर एक बात नोट कीजिए, जिस वक्त पार्टी में कर्नल मल्होत्रा आए उसी वक्त ये सरफराज नाम का व्यक्ति गायब हुआ। ये फुटेज की क्लिप चलाई जाए। नहीं जज साहब, ये वीडियो क्लिप चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको सब सच बताती हूं। वकील साहब सही कह रहे हैं, सरफराज के कई नाम हैं। मेरी मुलाकात उससे हुई जिसकी वजह से मेरा मेरे एक्स हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया। उसी ने मुझे इंदर को ट्रैप करने का प्लान बताया था। प्लान के मुताबिक मुझे इंदर को शादी के लिए फोर्स करना था और उसकी पर्सनल लाइफ अपने आसपास बनानी थी, जो कि मैंने किया। तो बाकी के इंफॉर्मेशन कैसे पास किया आपने? इंदर अक्सर ऑफिस से सीधे मेरे घर पर आया करते थे, जिसकी वजह से मौके का फायदा उठाकर मैंने उनके ब्रीफकेस में रखी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के फोटो क्लिक करके सरफराज को भेजना शुरू कर दिया। ये आपने क्यों किया? ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ये जानती हैं आप? मैं जानती हूँ जज साहब, मगर सरफराज ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बेटे को जान से मार देंगे। आप ही बताइए मैं क्या करती।
अपने बेटे की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ये जुर्म करना पड़ा मुझे, और उसकी वजह से मैं गुनाह के दलदल में फंसती चली गई। और जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी। कोर्ट ये मेनिका का वर्डिक्ट पेंडिंग रखती है, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि कर्नल मल्होत्रा इस पूरे केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। जी मैम। सर है? यस मैम, आइए आप बैठिए, आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ जी स्वाति जी, कहिए। प्लीज प्लीज सिट 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 सिट, कहिए। मतलब एक बादशाह की सल्तनत जो उजड़ने का तमाशा देखने आई है आप, और ये तमाशा आप दुनिया को दिखाएंगी ब्रेकिंग न्यूज सेंसेशनलिज्म अपनी रेटिंग्स के लिए, है ना? प्लीज सर, आप फोन पर भी इतना नाराज हो रहे थे, क्या लगता है आपको क्या मीडिया वाले सिर्फ तमाशा दिखाते हैं? मैं मानती हूँ कि हमारे इस प्रोफेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से गैर जिम्मेदार लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो न्यूज में मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, बट आई एम सॉरी सर, मैं वैसे बिल्कुल। देखो स्वाति, मेरा केस सिविल कोर्ट के डोमेन में है, मतलब मैं पब्लिक आई में हूं, अब मेरा नाम अखबारों में छप रहा है, मतलब मैं जानता हूं कि मेरी सिचुएशन क्या है, और यहां आकर तुम मुझे तो लगता है कि भाई मेरे जले पर नमक क्यों लगाना चाहते। सर आप मुझे फिर से गलत ले रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग करती हूं, रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि सही न्यूज सबके सामने आए, और मैं इसीलिए आपके पास आई हूं। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर होने के नाते आपके बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आर्मी के लिए। गैरी ने मुझे आपके बारे में इतना कुछ बताया कि मुझे लगा कि आपकी सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और शायद इसीलिए मैं यहां पर आई हूं। दैट्स इट। थैंक यू स्वाति फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स, लेकिन इन मीडिया के ट्रायल्स का आर्मी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो कार्रवाई करनी है मेरे खिलाफ वो करें। लेकिन सर कोर्ट ने तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया है, आर्मी के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। नहीं, कोर्ट ने बेशक मुझे बाइज्जत बरी किया, लेकिन मेरी पलटन के सामने तो मेरी इज्जत चली गई। सर आप एक सोल्जर हैं, और आप अपने आप को हालात के आगे ऐसे सरेंडर कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि फौजी जो होते हैं वो किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में उनको हार मंजूर नहीं होती। देखो स्वाति, जंग में हारना मंजूर नहीं है, मैदाने जंग छोड़कर जाना मंजूर नहीं है, लेकिन एक फौजी के लिए जिल्लत भरी जिंदगी भी मंजूर नहीं है। मेरे 20 साल के करियर में आज तक किसी ने मेरे पर कोई उंगली नहीं उठाई, लेकिन आज लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्र मल्होत्रा 2IC 28 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक मामूली क्रिमिनल की तरह कोर्ट में खड़ा अपनी सफाई दे रहा था, और वकील ने तो मुझे गद्दार भी करार करा, देशद्रोही। ये सब छोड़िए सर, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अब तो आपके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं है, आपको खुश होना चाहिए। हाँ माना, कोर्ट ऑफ लॉ ने मुझे बाइज्जत बरी किया, लेकिन मेरे जमीर का क्या, इतना बड़ा बोझ लेकर मैं ढो रहा हूं उसका क्या? अब आर्मी अपनी कार्रवाई करेगी, वो अपना कोर्ट केस करेंगे। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? पूछना तो बहुत कुछ आती थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर और आपके दिल की हालत जानकर ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल बेवकूफी मेरी है, मतलब पूरी दुनिया को नसीहत देता फिरता था, और एक ऐसी औरत के जाल में फंस गया कि तो सारी दुनिया, मेरा मुल्क मुझे ऑलमोस्ट गद्दार कराने वाला, मतलब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या फायदा। उसी वक्त मुझे समझ जाना चाहिए, इसकी शुरुआत
एक पार्टी में हुई थी और यार यहाँ की चाय तो बड़ी कमाल की। अब मुझे पता चला कि तू मुझे क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा था यहाँ पर आने के लिए। ओ भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ऐसे नहीं तुम्हें इंसिस्ट कर रहा था, बलदेव सिंह साहब इसके पीछे हैं भाई। बलदेव सिंह साहब कॉन्ट्रैक्टर के कान खींच के रखते हैं, तब इतनी अच्छी चाय मिलती है। एक बार तो सीधा किचन में रेड मार दी और जो चाय बनाता था उसको बताया चाय बनाने का फार्मूला कि कैसे आर्मी की कड़क चाय बनती है, दमदार। यार गहरी, वो तो बलदेव साहब की आंखें देख के डर गया होगा यार। क्या कमाल की आंखें हैं, क्या खतरनाक आंखें। हर गलती से उन्होंने दुश्मन को देख भर भी लिया ना, तो दुश्मन की तो वहीं पर ही। अरे विकी विकी, पता है फिल इन द ब्लैंक्स करने की जरूरत नहीं। चाय पी रहे हैं, टेस्ट ही खराब कर देगा तू। क्या यार गहरी, जब मैं अपने 2YC सर के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या होगा यार, इतने अच्छे ऑफिसर हैं यार, और सबसे बड़ी बात कि इंसान बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, बस एक औरत के चक्कर में पड़कर सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो जैसे कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक औरत का होता है। बिल्कुल सही है, 100% इस बात को मानता हूँ, लेकिन लगता है कि बर्बादी के पीछे भी औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है यार। क्या था, क्या से क्या हो गया। पर गैरी, वो चक्कर तो हमारा भी चल रहा है यार, उसमें क्या। तुम्हारी शादी हुई क्या? शादी नहीं हुई, बस रिश्ता पक्का हुआ है, बाकी चीजें अभी हैं। बाकी अभी सब कुछ बाकी है, इसलिए ऐसा कह रहा है। जिस दिन दिशा के साथ तुम्हारी हो जाएगी शादी और तू बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ चलाएगा चक्कर, तब पता चलेगा कि क्या होता है। इंदर सर शादीशुदा थे, मैरिड हैं, और बाहर दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं, अफेयर चल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात है? अरे गैरी, वो तो झूठा रिश्ता था यार, वो तो दुश्मन की स्पाई निकली और हमारे 2YC सर खामा खा उनके चक्कर में फंस गए। हाँ यार, वैसे आज स्वाति तो ऐसी सर के घर पे गई है सच्चाई का पता लगाने के लिए। वैसे इंद्र सर हमें कितना प्यार करते हैं यार, तुम्हें पता है जब सुब्बू सर के साथ हम कितनी छेड़छाड़ करते थे, उनकी टांग खींचते थे, तो हमारे साथ वैसे के वैसे फ्रेंकली हो जाते थे यार। पता नहीं यार क्या होगा। यार गरीब, तुमने प्रेस की खबरें देखी? पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं यार, क्या उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, क्या हेडलाइन दिया यार। मैंने पढ़ी, मुझे तो इतना गुस्सा आया ना यार। मेरा गुस्सा ना जायज है, मुझे भी आया यार। देख, एक ऑफिसर जान पर खेल के देश के लिए लड़ता है, ये कभी नहीं न्यूज पे दिखाएंगे। आर्मी में रहते हुए कितने काम या मिशंस को अंजाम दिया है ये नहीं दिखाएंगे। क्या क्या प्लानिंग्स बनाते थे हमारे लिए कभी नहीं दिखाएंगे। अपनी जान पर खेल के देश की रक्षा की ये कभी नहीं दिखाएंगे। बस एक जरा सी गलती क्या हो गई, और गलती क्या हुई, धोखे से। बस अब च्युइंगम की तरह इसी न्यूज को खींच रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, हद होती है यार पूरे सिस्टम। गैरी, हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, पर फीलिंग्स यही दे रहे हैं कि सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। विकी, यार सिविल कोर्ट अपनी जगह पे है, आर्मी कोर्ट, अब आर्मी कोर्ट क्या फैसला देती है ना, बात तो इस पर आके रुकती है ना। लेट्स प्रे फॉर हिम, कुछ अच्छा हो उनका। हाँ यार, स्वाति भी दिन रात इसी मिशन पर लगी हुई है यार, कि किसी ना किसी तरह इंद्र सर को दुनिया की नजरों में इनोसेंट साबित किया जा सके। यार गैरी, जल्दी चाय पी ले यार। अगर गलती से सुबह सर यहाँ अगर चाय पीते हुए देख लेना हम दोनों को, तो उनके सवाल और जवाब दोनों शुरू हो जाएंगे। यार मैं बहुत डरता हूँ, इससे पहले कि वो आए जल्दी जल्दी पी रहे खत्म कर। यश कुमार, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, कोई इमरजेंसी? सर इमरजेंसी है भी और नहीं भी। ये क्या जवाब, ये आर्मी है, यहाँ पर या तो होता है या नहीं होता, ये है भी और नहीं भी नहीं चलता यहाँ पर। आई एम श्योर यू नो दैट।
सॉरी सर, सर कोई ऑपरेशनल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जो मैटर है वो अर्जेंट है और आपके फॉलोअप की जरूरत है। बताओ क्या बात है? सर मेजर मिसेज गोपाल और मिसेज पार्थो के काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो लोग अपने अपने हस्बैंड्स के लिए वरीड हैं। समझ सकता हूँ मेजर, और मैं आर्मी हेडक्वार्टर से फॉलोअप कर रहा हूँ। एक बात तय है कि इन दोनों को किसी साजिश के तहत किडनैप किया गया। नाउ द प्रॉब्लम इज के मिलिटेंट्स ने अभी तक कोई डिमांड सामने रखी नहीं, और दुश्मन आर्मी का कहना है कि उनका कोई भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो व्हाट डू वी डू? सर हमने जो गिरफ्तारियां की हैं रूबीना, कासिम और गफूर, इससे ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है कि इसमें दुश्मन की आर्मी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। यस मेजर, ये सारी इंफॉर्मेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स भेज दिए गए और वहां से थ्रू प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल्स पड़ोसी मुल्क तक भी पहुंचा दिए गए, मगर वो हर एक बात से मुकर रहे हैं। वो मुकर गए कि गफूर उनके लिए काम करता है या फिर गफूर उनका शहरी है। सर कसाब भी उनका शहरी नहीं था। सर मेजर्स की फैमिली को कब तक हम झूठी दिलासा देते रहेंगे? Selvam, I need to talk to Brigadier Thomas now. I'll hold. Good morning, sir. Jai Hind. Sajwan here. Yeah, Mr. Sajwan. How is everything? All well, sir. Bas do baaton pe aapki update chahiye thi. Carry on. सर मेजर पार्थो और मेजर गोपाल के परिवार वाले काफी परेशान हैं और काफी समय से वो लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग विद बोथ ऑफ देम। हम लोग काफी समय से वी हैव जस्ट बीन अश्योरिंग देम। क्या जवाब दूं उनसे? या सजवान, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात की, इनफैक्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से भी बात की, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। ऐसी हालत में हम क्या जवाब दें सर? आप एक काम करो, आप एक सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी करो। वो दोनों ऑफिसर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दोनों ऑफिसर एलओसी के 4 किलोमीटर अंदर हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको गफूर से मिली थी ना? जी सर, गफूर एक इंपॉर्टेंट लिंक है जो हमें एग्जैक्ट स्पॉट पर गाइड कर सकता है। ओके आई सी। वैसे मैं इस ऑपरेशन की क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेता हूं। आप एलओसी के अंदर के जितने भी लिंक्स हैं उसे एक्टिवेट कर दो। यू गॉट मी? राइट सर, विल डू दैट। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। सो दिस इज इट कुमार, तुम तैयार रहना। और हाँ, तुम्हारा वो सरहद पार वाला लिंक कौन है? वो मकसूद। मकसूद रिलायबल है? रिलायबल है सर। सर वो अपने बलदेव सिंह साहब के भी काफी लिंक हैं जो काफी रिलायबल है। वो लैंग्वेज वाली बात है ना सर, उनकी बातों पर वो जल्दी भरोसा। ठीक है, जस्ट बी अलर्ट और ध्यान रहे तुम्हारे और बलदेव के अलावा ये बात किसी और तक ना पहुंचने पाए। क्लियरेंस मिलते ही वील स्ट्राइक। राइट सर। अरे यार, वो दिशा के डैड के बिजनेस पार्टनर उसकी वाइफ यहां घूमने आए थे और किडनैप हो गए। क्या हुआ? किडनैप हो गए और मुझे लगता है ये मिलिटेंट्स का काम, और सबसे बड़ी बात कि अपने आसपास के एरिया से ही किडनैप हुए। यार विकी, मैं जब सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो टीवी पर स्वाति एक न्यूज दे रही थी ऐसी कुछ किडनैपिंग के सिलसिले में, कहीं ये वही न्यूज तो नहीं? यार हाँ, अगर वही बात है यार, जब वो अमेरिका से अपनी वाइफ के साथ आया था, उनकी बदकिस्मती देख के वो किडनैप हो गए।